लकड़गंज पुलिस स्टेशन के पीछे बन रही स्मार्ट पुलिस कॉलोनी की निर्माणाधीन इमारत में शराब पीकर उत्पाद मचाने को लेकर हुए विवाद में मजदूरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने दूसरे पर लोहे की रॉड से हमला कर चार लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मियों में प्रद्युमन धनेश चौहान, उसके पिता धनेश, चाचा विकास चौहान और दीनानाथ चौहान का समावेश है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विनोद श्रीशंकर आर्मो, संजय राम स्वरूप आर्मो, आकाश बसुरी मरावी और तरुण सिंह लाल सिंह सोयाम को हिरासत में लिया है। विकास और धनेश का उपचार मेडिकल के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। सभी देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। निर्माणाधीन स्मार्ट पुलिस कॉलोनी में सभी काम करने आए थे। रविवार की रात 8 बजे के दौरान विनोद शराब पीकर गिर गया। तभी प्रद्युमन और उसके रिश्तेदार विनोद को उठाने चले गए। समझाने का प्रयास करने पर वह प्रद्युमन से विवाद करने लगा। इसी दौरान विनोद और उसके साथियों ने प्रद्युमन के साथ मारपीट शुरू कर दी। रिश्तेदारों ने बीच बचाव किया तो उन पर भी लोहे की रॉड से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही लकड़गंज पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हत्या का प्रयास सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।